आपको जानकर के खुशी होगी, 12वीं सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने एक अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की और समाज के सब वर्ग के लोग वहां बैठते थे और सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते थे। और उस जमाने में कंपलसरी महिला प्रतिनिधि रहती थी उसमें, 12वीं सेंचुरी में, और सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते थे और फिर समाज का प्रबोधन करते थे। हमारा देश जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत, इसमें ऐसा बिखरा पड़ा था। भगवान बसवेश्वर ने इन सबको एक छत्र छाया में ला करके, ऊंच नीच जातिवाद को समस्या करके सबको जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। और अभी जो आपने बेसब्री वाली बात कही थी, मुझे भगवान बसवेश्वर जी की एक बात याद आती, उनका एक वचन है, उस वचन में उन्होंने कहा है कि जहां ठहराव है, मुझे शब्द मेरे होंगे लेकिन मुझे भाव याद है, जहां ठहराव है वहां जिंदगी समाप्त है, और जहां पर गति है वहां पर जिंदगी के नए आयाम की संभावनाएं नित्य नितन नूतन होती हैं। इस प्रकार का भाव भगवान बसवेश्वर के वचन में है। जहां ठहराव को मृत्यु माना है उन्होंने उस जमाने में, और इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जो काम भगवान बसवेश्वर ने किया है, आज भी हमारे देश को और दुनिया को मार्गदर्शक है। तो मुझे खुशी हुई, और आप तो स्वयं कर्नाटक के हैं, आज मुझे उनकी जन्म जयंती पर वहां जाने का सौभाग्य मिला था। और हम सब भगवान, और मैं तो चाहूंगा हमारे स्कूलों के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अनुभव